appoint officers to appear in person to inform the court. And what more do you want? But they are not following their duties. They should be registered. शीरिम सर सब साहिबा खान साहब ने कहा है कि अगर आप आना चाहें तो ऑलवेज वेलकम टू पीटीआई। खान साहब ने कहा है कि आप जब आप पीटीआई में आना चाहें आ सकती हैं, तो आना चाहेंगे? अच्छा आप किधर हैं? जी इस वक्त शीरी मजारी साहिबा के वकील हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है ECL में, जैसा कि बताया जा रहा है कि उनका नाम डाला गया है, तो हवाले से आज केस की समाअत हुई है। शीरी मजारी साहिबा ने गुफ्तगू करने से इनकार किया है, अब हम उनके वकील से बात करते हैं। बताइएगा आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, क्या दलाइल दिए गए, क्या जज साहब की जानिब से क्या ऑर्डर्स पास किए गए आज? जज साहब की जी ये कंसर्न थी कि इनका नाम आपको कहाँ से पता लगा है कि इनका नाम ECL के ऊपर या PNIL के ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जज साहब को बताया कि जो आजकल लाकानूनीत है और जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, अगर नाम नहीं भी है तो एप्रीहेंशन एग्जिस्ट करती है कि इनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यूसर्प किए जाएंगे, यानी कि इनको इमिग्रेशन काउंटर पर रोका जाएगा। तो जज साहब ने वेरी काइंडली हमारी बात को अप्रीशिएट करते हुए, कानूनी दलाइल को अप्रीशिएट करते हुए, सेक्रेटरी इंटीरियर और DGFIA को डायरेक्शन दी है कि विद इन 3 डेज वो अपने कमेंट्स फाइल करेंगे और बंदे अपने ऑफिशल्स को डिप्यूट करेंगे और वाके कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे वेदर और नॉट डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा का नाम इस लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। अच्छा आप वकील साहब ये बताइएगा कि नौबत क्यों आई, ज़रूरत क्यों पड़ी है उनको यहाँ से मुल्क से बाहर जाने की, क्या वजह, रीज़न क्या है सॉलिड? देखिए जी मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हर इंसान का हक है, हमारा आर्टिकल 15 जो है वो इजाज़त देता है कि किसी भी सवाल जवाब के बगैर मैं कहीं भी दुनिया के अंदर ट्रैवल कर सकूं। ये एक ऐसा हक है जो एग्जिस्ट करता है। देखिए डॉक्टर शीरी मजारी के बारे में मैं आपको इतना बता दूं, मेरी क्लाइंट हैं बट शी इज़ अ ब्रेव लेडी एंड वो हर चीज़ बड़ी डिग्निटी के साथ करती हैं और मैं एज़ अ लॉयर इस चीज़ के प्रिवी हूँ कि ये जो बयान चल रहे हैं कि शायद वो मुल्क छोड़ के जा रही हैं या कुछ सेल्फ एग्जाइल की चीज़ कर रही हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली अनफेयर एंड रिडिकुलस, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस। उनका बेटा उधर रिजाइड करते हैं जिनको ये मिलने का उनका हक है और वो नहीं आ सके तो इसलिए वो जाना चाह रही। तो आज अदालत ने आर्डर में किस किस को बुलाया है? देखिए जी उन्होंने, मैंने आपको गुजारिश की है कि उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर और DGFIA को डायरेक्ट किया कि वो अपने ऑफिशल्स को अपॉइंट करें और वो अदालत को आके ब्रीफ करें। तो इन पर्टिकुलर FIA से या इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता किया कभी इस सवाल? हम लोगों ने 27 जून को एक डेटेड ख़त है जो उनको हमने भेजा है और उनको यही बताया है कि ये जो डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं ये गैर कानूनी है और कोई ऐसा जवाब एग्जिस्ट नहीं करता
जिसकी बेसिस के ऊपर डॉक्टर साहब का नाम ECL या नो फ्लाई लिस्ट या PNIL जो गैर कानूनी है जिसकी लीगल बेसिस एग्जिस्ट ही नहीं करती, और हर सिविल और मिलिट्री हुकूमत ने इसका जो है अब्यूज़ किया है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इसको यूज़ किया है। वही अब इंस्ट्रूमेंट्स अब इधर भी यूज़ हो रही है, कल दोबारा यूज़ होंगे। इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई रिप्लाई आया या राना सनाउल्ला अपनी हठधर्मी पे कायम है? देखिए जी, इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिप्लाई तो नहीं आया और ना हमें तवक्को है कि रिप्लाई आएगा, इसलिए हम हाईकोर्ट आए। अच्छा, जैसा कि आज जज साहब की जानिब से भी बड़ा वैलिड रीज़न रेज किया गया कि किन सरकमस्टांसिस की बुनियाद पर आप लोग ये कह रहे हैं कि आपका नाम ECL में डाला गया है, तो उस पर आप लोगों की जानिब से क्या दलाल दिए गए? मैं आपको ये बताऊं कि 11 मई 2023 को इनको अरेस्ट किया गया 3MPO के तहत, 17 को इनका जो ऑर्डर है वो इलीगल डिक्लेयर किया गया और सेट असाइड किया गया। 17 की रात को डॉक्टर मजारी अपने ही घर से दोबारा अरेस्ट हो जाती हैं, बल्कि अबडक्ट हो जाती हैं। इस्लामाबाद पुलिस जो है IG साहब यहाँ से अभी तशरीफ़ ला रहे हैं, इन्हीं की ईमा के ऊपर उनको दोबारा अरेस्ट किया गया। इस्लामाबाद पुलिस को डायरेक्शन थी कि वो अरेस्ट नहीं कर सकते, बट किया गया। एंड उसके बाद वो उनको 3MPO रावलपिंडी कमिश्नर साहब ने इशू कर दिया। फिर 22 तारीख को इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने उस चीज़ को सेट असाइड किया गया और अडियाला से दोबारा अरेस्ट करके इनको लेके गया जाया गया खारियाँ। और खारियाँ में क्या इल्ज़ाम था कि GT रोड डॉक्टर मजारी ने ब्लॉक की है 9 और 10 को जब वो अपने घर पे मौजूद थी। सो अब इसके बाद मेरा ख्याल से कोई मैं यही जज साहब को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कानून जब पब्लिक फंक्शनरीज कानून के मुताबिक चल रहे हो तो फिर तो इस तरह की एप्रीहेंशन जो हैं वो उनका बुनियाद नहीं एग्जिस्ट करती, कोई जवाब नहीं एग्जिस्ट करता। बट माशाल्लाह जिस तरीके से काम चल रहा है उस सिचुएशन के अंदर हमारा एप्रीहेंशन बिल्कुल ठीक है। कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक आर्डर दिया है कि क्वेश्चनमेंट का जो असल फोरम है वो ये नहीं है, आप मुतलका अदालत में जाएं। इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स हैं जी, और आमिर फारूक साहब की अपनी जजमेंट है 2019 की जजमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, PLD में रिपोर्ट हुई है, और उसमें ये कहा गया है कि अगर हुकूमत रिप्लाई ना कर रही हो तो वो एडिक्वेट और एफिकेशियस रेमेडी नहीं है। यानी कि आर्टिकल 199 में आते हैं तो कहते हैं कि कोई रेमेडी एग्जिस्ट करती हो तो पहले आप वो रेमेडी अवेल करें और फिर आएँ। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत इस टाइम के ऊपर रेमेडी की पोजीशन में नहीं है, ना वो रेमेडी दे सकती है क्योंकि वो कर ही खुद रही है। तो जहाँ जायज़ और कानून के मुताबिक काम कर रहे हों उधर तो हम रेमेडी मांग सकते हैं, बट इधर रेमेडी का कोई जवाब नहीं। अच्छा, आप शीरी मजारी साहिबा के वकील हैं, खान साहब ने कल उनको बड़ी खुली ऑफर कर दी है, उन्होंने कहा है कि जब चाहें शीरी मजारी साहिबा आ सकती है। आप वकील हैं, जाहिर सी बात है गुफ्तगु हुई होगी आपकी भी उनसे, तो क्या उनके इस हवाले से क्या वो सियासत में या PTI में दोबारा वापसी इख्तियार कर सकती हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल से ये उनका अपना ज़ाती डिसीजन है। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, एज़ फार एज़ आई नो, वो इस टाइम के ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर मौजूद नहीं है और उन्होंने अपने आप को सियासत से अलग किया गया। मैं इस बारे में इससे ज़्यादा ना कुछ कह सकता हूँ, ना मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स।